वेलकम बैक टू रेड। और हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गन एंड कैथोड रेज को। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया था जिसमें हमने थर्मोनिक एमिशन में देखा था, जो एक फिलामेंट जब हीट अप हो रहा था वोल्टेज सोर्स की वजह से तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, और जो हमारे पास ग्लास ट्यूब था वो क्या होता हीट अप हो रहा था, सेम सारा वही फिनोमेना। लेकिन इसमें हमें प्रॉपर एक इलेक्ट्रॉन की बीम लाइट दिखेगी यहाँ से निकलती हुई आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, एनोड की तरफ हमारे पास दिखेगी एक बीम लाइट, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस वही सारा है, इमिट इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। तो वो जो हमारे पास सोर्स होता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करा रहा होता है, उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन गन का, ठीक है। और कैथोड रेज क्या है इसको भी देख लेते हैं, जो मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो रही है इस कैथोड की वजह से, दैट्स वाई उस रे को हमने नाम दे दिया, वही जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं बीम लाइट बनाएंगे उस रे, क्योंकि वो कैथोड से जनरेट हो रही है, इस जगह से जनरेट होती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं कैथोड रे का, जो रे भी जनरेट होगी। ओके, मैं समझा रहा हूं आगे। ओके स्टूडेंट, मैंने जो ये इसका जो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो आपको यहाँ साइड पे दिख रही होगी, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी लिंक में डाल दी, ठीक है। आप उसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह आसान लफ्जों में। ओके, अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, हमने गेन जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें एक यही ग्लास जार ले लेना है, ठीक है, और इसके अंदर जो इनसाइड जो हमारे पास प्रेशर होता है स्टूडेंट, वो प्रेशर बहुत ही लो होता है, क्लियर। ओके डन। फिर हमने दो इलेक्ट्रोड लिए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोड मोस्टली हम इसके अंदर हमारे पास कैथोड होता है और एनोड होता है इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम अक्सर आपने देखा होगा जो गाड़ियों की बैटरी होती है उसके अंदर यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास नॉन मेटेलिक हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड ये लिया और एक इलेक्ट्रोड ये लिया, ठीक है। अब जो ये वाला इलेक्ट्रोड है मीन्स कि अगर हम जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये कैथोड है, मैंने कहा दो तरह होते हैं हमारे पास, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, वो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमने नाम देते हैं कैथोड का, और वो जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हमने नाम दिया होता है एनोड का। तो इस तरह करके हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, और आपने फिर बताना है कंस्ट्रक्शन में कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और जो हमारे पास एनोड है उस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। ओके, अब ये जहां पे कैथोड है यहां पे हमारे पास अगेन हम एक फिलामेंट ले लेंगे, और वो हमारे पास किसके साथ टच होगा, एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ टच होगा, क्लियर। अच्छा, अब जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे स्टूडेंट यहां से, ठीक है, प्रेशर इनसाइड अंदर बहुत ही लो है। ओके, अब जब यहां से हम इसको ऑन करेंगे स्विच को, फर्ज कर लो स्विच लगा हुआ था और इस स्विच मैंने क्या कर दिया ऑन कर दिया, हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट लेंगे हम, यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव से कहां जाएंगे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे और वापस सोर्स की तरफ आ जाएगा। बुक में यहां पे हाई वोल्टेज में उन्होंने 6 वोल्ट लिया है, क्लियर। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन बार बार यहां इस फिलामेंट में से जाएगा, तो हमने देखा था लास्ट थर्मोनिक एमिशन ने भी कि जब हम हीट करते हैं किसी चीज को तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाता है, और ये तो एक कंडक्टर है, अब ये रेड हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे, इमिट होने लग जाएंगे, ठीक है। अब अगर वो इमिट हो रहे हैं, मैं फिलहाल इस वाली को यहां से हटा देता हूं, ये जो हमारे पास ये हाई वोल्टेज की हमने कोर भी यहां पर लगाया था, ठीक है, हाई वोल्टेज कोर भी देंगे हम इसे। अब होता क्या था प्रीवियस टॉपिक में स्टूडेंट, जब हम ये प्रोसेस हुआ था प्रीवियस टॉपिक में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते थे यूं वैक्यूम में क्या हो रहे थे, यूं करके जो जार था उसमें ऐसे ऐसे करके वो जा रहे थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यही हो रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे इससे, ठीक है, इस फिलामेंट से, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है, और यहाँ से जाते जाते साथ वाली प्लेट पे आ जाएंगे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रही है तो ये वाली जो प्लेट पे जो चार्ज आ जाएगा, ये जो बीच में एक और हमने प्लेट रखी हुई है जिसको हमने कंट्रोल ग्रिड का नाम दिया हुआ है, इसका क्या पर्पस है बताता हूँ। अब ये जो हमारे पास कंट्रोल की जो ग्रिड होगी ये भी क्या हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ मैंने लिखा हुआ नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पे भी आ जाएंगे, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। यहाँ पे इस प्लेट पे जो चार्ज आ गया वो नेगेटिव आ गया, यहाँ तक बात आ गई समझ। ओके, इस तरह चार्ज जो है पूरे इसके अंदर क्या हो रहे हैं मूव, अभी क्या हो रहे हैं इमिट हो रहे हैं, और जो भी अंदर चीज पड़ रही है उस पर वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता जा रहा है, डालता जा रहा है। ओके, अब क्योंकि ये इतनी हाई वोल्टेज नहीं होती, हम यहाँ पे इसको एक और वोल्टेज सोर्स लगाएंगे ताकि हमें बीम दिखे, हमें एक पाथ चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको एक और हाई वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। अगेन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, इज इट क्लियर। ओके, अब यहाँ से भी अगर मैं देखूँ इस जगह से,
और चूंकि हमारे पास यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव से जा रहा है, यहाँ से भी ऐसे जा रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आके इसमें से क्या हो जाएंगे, गुजरने लग जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज है। हम इसको मतलब कि वेरिएबल है हमारे पास, को हम चेंज कर सकते हैं 100 से 5000 की रेंज में, हम यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज की रेंज है ये। ओके, अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे स्टूडेंट, तो ये भी यहाँ पर आके जो है, ये ऑलरेडी हमारे पास ये जो प्लेट होगी थी, ये क्या होगी थी, नेगेटिव चार्ज होगी थी, यानी कि यहां से भी ये, अब इसको तो अपना जो सोर्स के पास जाने के लिए ये वाला रास्ता है ना, लाइक ये यहां से आना है इसने और इसकी तरफ आना है, अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ये जो कंट्रोल ग्रिड है, तो ये इसको क्या कर देगा, यहां से ऑलरेडी नेगेटिव हुआ है तो इसको एक पाथ मिल जाएगा यहां से एक बीम की सूरत में, और ये इसके इस कंट्रोल ग्रिड में से ऐसे होता हुआ चला जाएगा ये वाला, ठीक है, इसको एक पाथ मिल रहा है यहां से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज थी, तो ये हवा में इसको एक पाथ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, अब इसको एक पाथ ऐसे मिला, और अब आगे हमें पता है अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो एनोड होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव जो होता है नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हमने बैटरी सोर्स के यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ, अब ये यहाँ से जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीम बनी, ये तेजी से किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ एक्सलेट होकर यूं करके आ जाएगा, और हमें एक बीम दिखेगी यहाँ पे, ठीक है, एक लाइट बीम दिखेगी जो कि इलेक्ट्रॉन की होती है, और ये जो रे हमें दिखी है, जो बीम हमें दिखी, इसको हमने नाम दे दिया कैथोड रे का, बिकॉज ये कहाँ से आई थी, ये कैथोड रे से तो ही निकली थी। Is it clear? Okay. डन। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो हमने कंट्रोल ग्रिड हुआ होता है उसको हमने निकल का लिया होता है, निकल भी हमारे पास एक कंडक्टर है, एक मटेरियल है, ठीक है, तो उसकी वजह ये होती है, निकल ही हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, जैसे देख रहे हो हमने अच्छी खासी वोल्टेज यहाँ पर दे दें, तो निकल में ये एक एबिलिटी है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि वो हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, उसको यानी कि वो ईजिली बेयर कर सकता है बगैर किसी डैमेज के, दैट्स वाई हमने जो बीच वाली ग्रिड रखी होती है इसको कंट्रोल ग्रिड का नाम दिया होता है, और यहां से एकदम से क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये क्या कर देगा, एक्सलरेट करा देगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ, जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या दिखेगी, बीम दिखेगी। वेरी इजी, वेरी सिंपल स्टूडेंट, मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे बहुत ही आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ साथ जोड़ दूंगा मैं, तो वहाँ से आप देख के बहुत आसान, बहुत ही ईजी लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, तो होपफुली आपको ये भी चीज़ जो होगी हेल्प देगी, बाकी जितना मैकेनिज्म था वो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में आगे पूछें, #peaceout, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।